स्वागत है आपका नए व्लॉग में। आई होप सब एकदम मस्त होंगे, हम भी एकदम मस्त है। तो अभी सुबह के बजे हैं 9, तो आज हम जाने वाले हैं गांव के जंगलों में, तो वहां से हम लाने वाले हैं सब्जियां। तो आप सोच रहे होंगे कौन सी सब्जी और कैसी सब्जी, वो भी जंगलों से। तो तब तक आप गेस कीजिए, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब आपको आगे। तो हम निकल चुके हैं घर से और मेरे साथ आज हैं हमारे रमन भाई जो पीछे से आ रहे हैं, तो वो आज मेरे साथ जुड़े हैं मेरे ब्लॉग में, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। तो हम जाने वाले हैं आज लिंगड़े की सब्ज़ी लेने के लिए। तो जो पहाड़ी होंगे वो तो जानते होंगे कि लिंगड़े की सब्ज़ी कैसी होती है, बट जो नहीं जानते उनको मैं बताने वाला हूँ आगे कि लिंगड़े की सब्ज़ी कैसी होती है और वो सिर्फ जंगलों में पाई जाती है। तो वीडियो में बने रहिए, तो मिलते हैं अब आपको आगे। तो हमने ये पूरा रास्ता ट्रैक करके उस वाले जंगल में जाना है जो आपको सीधा आगे दिख रहा है। तो अभी हमने ये सारा रास्ता कवर करना है, उसके बाद वहाँ पहुँचना है। तो हमारे साथ रमन भाई, तो रमन भाई पहुँच जाएंगे हम वहाँ? पहुँच जाएंगे बिल्कुल। तो देखते हैं, तो चलिए। तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और अब हमने यहाँ पे से, हमारे पीछे ये नदी है तो इसे हमने क्रॉस करना है। नदी में पानी भी काफ़ी तेज़ है, बट देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हम होपफुली इस नदी को पार कर जाएं। तो नदी में पानी आप देख सकते हैं उतना भी तेज़ नहीं है और उतना भी कम नहीं है, लगभग ठीक ठाक है। तो कोशिश करेंगे आसानी से हम इसे पार कर जाएँ और उसके बाद हमने ये पूरा रास्ता ट्रैक करना है ऊपर के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं। तो हमने बड़ी आसानी से नदी को क्रॉस कर लिया है। तो ये तो हमारा रोज का काम होता है ऐसी नदियों को पार करना। अभी पानी कम है तो हमने आसानी से पार कर लिया है, पर जब नदी में पानी तेज रहता है तब थोड़ी मुश्किल होती है। तो अभी तो हम लगभग काफ़ी आगे आ चुके हैं घर से और जहां हम जाने वाले हैं उसके भी हम बहुत ही नज़दीक है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बात है। और रमन भाई हमारे पीछे से आ ही रहे हैं और आप ये देख सकते हैं नज़ारा, बिल्कुल झाड़ी से घिरा हुआ है रास्ता। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए। क्यों ये अफसाने इन लम्हों में खो गए, हम घायल थे इन लफ्जों में खो गए थे हम मंजर। जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारे गांव का लोकल जंगल है, मतलब आप कह सकते हैं वहाँ हमारी मम्मी लोग, ताई लोग, दादी लोग सारे घास लेने के लिए जाते हैं और साथ ही साथ गाय बकरियाँ सारे हम वहाँ ले जाते हैं चराने के लिए। तो हम भी वहीं जा रहे हैं, तो काफ़ी ट्रैक कर लिया है, तो मिलते हैं अब आपको आगे पे। काफ़ी चलने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा आराम के लिए बैठ रखे हैं क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। धूप तो है नहीं बट उमस टाइप की हो रही है, तो उससे पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो हमने बोला थोड़ा सा रुक के फिर चलते हैं, और यहाँ पे पानी भी है तो यहाँ पे थोड़ा हाथ मुँह धो के फिर हम आगे अपना सफ़र तय करेंगे। तो रमन भाई पीछे कहीं पर पता नहीं यहाँ पर बैठ रखे हैं, दिख नहीं रहे। तो रमन भाई भी शूट कर रहे हैं और मैं भी शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, हमें भी अच्छा लगता है, तभी हमें जोश मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर हाथ मुँह धोते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी खुशी थोड़ा दर्द थोड़ा गम, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी।
जाम थोड़ा काम थोड़ा आराम यही है जिंदगी यही है जिंदगी थोड़ी खुशी थोड़ा दर्द थोड़ा गम यही है जिंदगी यही है जिंदगी थोड़ा जाम थोड़ा काम थोड़ा आराम यही है जिंदगी यही है जिंदगी। तो हाथ मुंह धो के हम एकदम हो चुके हैं फ्रेश। तो हमारे रमन भाई भी आ चुके हैं हमारे साथ। तो रमन भाई आज का दिन कैसा लग रहा है आपको? आज का दिन अभी शुरू ही हुआ है भाई, अब बताएंगे आपको आगे लग कैसा रहा है आपको, कैसा फील? बहुत ही बढ़िया। तो रमन भाई को भी काफी बेटर फील हो रहा है आज। तो बेटर फील हो गई जब आप आते हैं ऐसी खुली जगह में एकदम एकांत में, तो काफी अच्छा लगता है। और जो यहाँ के ये छोटे छोटे से खेत है आप देख सकते हैं चारों तरफ हरी हरी वादियों से भरे हैं, काफी बढ़िया है ना। तो यहाँ आप पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं, अगर आपकी फैमिली या आप सिंगल में आना चाहो तो आप ऐसी ऐसी जगहों में आके एकदम लुफ्त उठा सकते हैं इस ब्यूटी का। पर हाँ, ध्यान भी रखना क्योंकि ये नॉर्मल जंगल नहीं है, यहाँ आपको बाघ भालू ऐसी चीज देखने को मिल सकती है, तो इसलिए यहाँ खतरा भी बना रहता है। अकेला तो मत ही आइए, मैं ऐसी सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ अकेले आने में बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। अपने साथ किसी को लाइए तब जाके आपको बेटर फील होगा। यहाँ से ये पूरा कट रखा है और आप नीचे देख सकते हैं कितनी बड़ी खाई है। और हमारी पहाड़ी भाषा में ऐसी जगहों को रोला बोला जाता है, तो मैं अपनी पहाड़ी भाषा में बोलूँ तो ये कितने भयंकर भयंकर रोले हैं। तो नज़ारे तो कुछ इस प्रकार से हैं, और मिलते हैं अब आपको आगे पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जंगलों में ट्रैक करना उतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं, रास्ते भी उतने ऊबड़ खाबड़ होते हैं। आप देख सकते हैं रमन भाई को कितनी दिक्कतें आ रही है। लो तो हम पहुंच चुके हैं जहां हमने जाना था। तो अब हम देखते हैं कि जो सब्जी हम लेने के लिए आ रखे हैं वो हमें मिलती है या नहीं मिलती। आप देख सकते हैं मुझे एक दिख चुकी है, तो ये रही। कुछ बूढ़े भी हो चुके हैं तो इन्हें ही हम लिंगड़े बोलते हैं, बट ये बूढ़ा हो चुका है, ये बड़ा हो चुका है, तो ये सही रहेगा। तो जो ये ऐसे छोटे छोटे होते हैं वो खाने लायक होते हैं, जैसे कि आप इसे ही देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल खाने लायक है। बट जो ये बड़े हो चुके हैं ये खाने लायक अभी नहीं है, ये बूढ़े हो चुके हैं। तो देखते हैं, हम कोशिश करते हैं हमें और मिले। तो एक और मुझे मिला है, आप देख सकते हैं ये काफी मोटा सा है ये, और एक ये रहा। तो काफी अभी बच रखे हैं ये देख सकते हैं आप। तो ऐसे होते हैं लिंगड़े, तो ये बिल्कुल प्रॉपर खाने लायक है। मुझे भी एक लिंगड़ा मिला। जो ये वाले हैं ये इनको हम खा सकते हैं, बट जो ये हैं तो इन्हें हम खा नहीं सकते। जो लिंगड़े होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक खाने लायक होते हैं और एक जहर वाले होते हैं। जहर वाले हर सफेद टाइप के होते हैं, उनमें थोड़ा सा जहर होता है तो उन्हें नहीं खाते। तो ये बिल्कुल अभी प्रॉपर खाने लायक है, तो इन्हें हम खा सकते हैं। और जो ये लिंगड़े हैं ये पादप जगत के टेरिडोफाइटा क्षेत्र में आते हैं, जो बायो वाले होंगे तो वो तो उन्हें पता होगा। तो इन्हें हमारी भाषा में लिंगड़ा बोलते हैं, और कई भाषा में इन्हें लिंगड़िया लिंगड़िया जहाँ पता नहीं अलग अलग जगह में इनका अलग अलग नाम है, और ये सिर्फ जंगलों में मिलते हैं। तो अभी हमने इतने तोड़े हैं और कोशिश करते हैं कि अभी और तोड़े, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हमें तोड़ने में काफी दिक्कतें आ रही है क्योंकि यहाँ झाड़ी काफी ज्यादा है, ये देख सकते हैं आप चारों तरफ झाड़ी झाड़ी है।
तो बीच बीच से हमें ढूंढ के निकालने पड़ रहे हैं, जैसे कि एक ये रहा, तो ऐसे ऐसे जगहों से हमें थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, बाकी तो सेट है। और यहाँ पे हैं ये तीन चार, तो मैं कोशिश करता हूँ इन्हें भी तोड़ दूँ। एक ये रहा, तो लगभग मैंने इतने इकट्ठे कर लिए हैं अभी तक, और रमन भाई भी वहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं, तो होपफुली हमने काफ़ी इकट्ठा कर लिए हैं, और देखते हैं आगे कितने मिलते हैं। तो दोस्तों, जो ये लिंगड़े होते हैं तो ये अक्सर वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है या फिर जहाँ पे नमी रहती है, तो ये वहाँ पे अक्सर मिलते हैं। जैसे कि आप पीछे देख ही रहे होंगे, पीछे पे थोड़ी सी नदी सी टाइप की है, और जो यहाँ की मिट्टी है वो काफ़ी नमदार है, गीली गीली मिट्टी, तो वहाँ ये अक्सर पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि एक ये रहा। तो आप जब कभी भी लिंगड़े लेने के लिए जाते हैं तो जहाँ पे नमी हो या जहाँ पे पानी हो, तो उस जगह पे आपको लिंगड़े सबसे पहले मिलेंगे। तो ये कुछ इनकी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो हमने तो काफ़ी तोड़ लिए हैं वक्त से, और कोशिश करते हैं कि और तोड़ें, और उसके बाद हमने घर भी जाना है, क्योंकि यहाँ का जो सीन है वो काफ़ी डरावना सा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल, और यहाँ बाघ और भालू का खतरा अक्सर बना रहता है। तो यहाँ ऐसे अकेले में आना एकदम सेफ्टी नहीं है, और ना ही हमारे पास कुछ हथियार उतियार है, तो ये भी एक वैसी बात है, पर कोई नहीं, मज़ा आ रहा है, तो बने रहिए वीडियो पे। तो कुछ इस प्रकार की लोकेशन है जहाँ हम सब्जी लेने के लिए आ रहे हैं। ये कितना डरावना सा लग रहा है ये पेड़ इधर से, इस पर बेल ही बेल लटक रही है। इधर से हमने ऊपर के लिए जाना है, और पेड़ भी है काफी डरावना पेड़। तो देख सकते हैं ऐसा भी होता है लिंगड़ा, इस पे बाल ही बाल होते हैं, ये देखिए जिस जैसे इस पे है। तो किस किस ने खा रखी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। छूती। तो दोस्तों, निकल चुके हैं हम लिंगड़े तोड़ के, और हमने काफ़ी ज़्यादा तोड़ लिए थे, तो हमने सोचा अब चलो घर की ओर चलते हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो आज हमने आपको दिखाई लिंगड़े की सब्ज़ी, ये सिर्फ जंगलों में पाई जाती है हमारे पहाड़ उत्तराखंड में, अगर और जगह भी पाई जाती है वो मैं नहीं जानता, क्या पता पाई भी जाती होगी। अगर पाई जाती है और कोई देख रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताएं, और किस किस ने ये सब्ज़ी खा रखी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमने तो बहुत ज़्यादा बार खा रखी है, और फिर से हम खाने जा रहे हैं। इनकी एक और प्रजाति होती है जिसे हम खुतड़ा बोलते हैं, तो वो भी सेम इसी प्रकार की होती है, बट वो थोड़ा अलग होती है। तो बाकी जो इन दोनों की प्रजाति है वो सारी सेम होती है, खुतड़ा और लिंगड़ा। तो ये जो लिंगड़े हैं ये मार्च महीने से शुरू होकर अगस्त और सितंबर के महीने तक रहती है, तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो ये लास्ट लिंगड़े थे, इसके बाद इन पे कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा ही होगा वो कितने बड़े बड़े हो चुके थे जो आधे थे, तो ये भी वैसे ही हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो ये लास्ट खुतड़े थे हमारे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। तो अब चलते हैं घर की ओर, हम मिलते हैं अब आपको सीधा आगे। तो आज हमने इतने लिंगड़े तोड़े आप देख सकते हैं, तो आज की मेहनत हमारी रंग लाई। तो अब हम घर की ओर जाएंगे, और घर का रास्ता वो रहा, पहले हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा नहाएं, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। तो पसीना काफ़ी आ चुका है, और घर जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना नहाया जाए, और गर्मी भी काफ़ी तेज़ होने लगी है अब, तो अब हम नहाएंगे उसके बाद घर जाएंगे।
तो पहले इसमें ना दें, तो चलिए फिर पहले से पार कर लेते हैं। तो पार करना उतना आसान भी नहीं है। ये है ओए ओए, मैंने तो आसानी से पार कर लिया है। और रमन भाई उधर, और ये क्या है? रास्ते मिल गए, मंजिल खो गई, और ढूंढ रहे हम जाने क्या। खो गया मैं जहां, खुद को खुद मैं ढूंढ रहा। तो पहुंच चुके हैं हम घर पे। जैसे ही हम वहां से निकले, उसके थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई थी, तो काफ़ी सही टाइम पे हम घर पे पहुंच चुके थे। तो इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।